जी हाँ दोस्तों दोस्तों रियल एस्टेट का बबल है ये जल्द आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। इसका रीजन है कि जो पहले यूनिट थी और आज की यूनिट के अंदर अगर हम अंतर देखें तो 18% गिरावट देखने को इस तिमाही के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम 2024 की अगर बात करें, 2024 क्वार्टर वन की बात करें, जैन फेब और मार्च, इस क्वार्टर के अंदर अच्छी खासी सेल देखने को मिली थी। 2024 की शुरुआत है वो बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर हम सेकेंड क्वार्टर की बात करें जिसके अंदर अप्रैल मई और जून की बात करें तो यहाँ पे जो सेल है वो डाउन नज़र आती जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो ज़मीन ने आसमान में रहना शुरू कर दिया है, एक प्रकार से हम ऐसे ही बोल सकते हैं। क्योंकि इतने हाई रेट हो गए हैं कि हर चीज़ हवा में ही बोल रही है। कुछ टाइम पहले अगर हम 2-3 साल पहले की बात करें जहाँ पे 2 BHK की अगर वैल्यू 30 से 35 लाख रुपए मिलती थी कोविड से पहले की अगर बात करें तो एक 2 BHK का जो फ्लैट होता था वो 30 लाख से लेके 40 लाख रुपए तक आसानी से मिल जाता था। बट यही चीज आज के दिन 65 लाख से लेके 70 लाख रुपए तक की मिलने लग गई है। क्योंकि जब मिडिल क्लास ही नहीं रहेगा मार्केट के अंदर तो रियल स्टेट जो मार्केट है वो नहीं चल पाएगी, वो गिरेगी ही गिरेगी या स्टेबल हो जाएगी, वो रुक जाएगी। क्योंकि रियल स्टेट को सिर्फ अमीर लोग ही नहीं चला सकते, जब तक उसके अंदर मिडिल क्लास एंटर नहीं होगा बाजार के अंदर तो रियल स्टेट मार्केट में इस टाइप की चीज आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए जो डेवलपर जो मनमानी कर रहे थे, जो चीज कोई 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की बिकने वाली वो 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से आज के टाइम सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चलती हुई मार्केट के अंदर हर कोई अपने हाथ सेकना चाहता है दोस्तों, ये सच्चाई है। आप एक ऐसे एरिया के अंदर रहना चाह रहे हैं जहाँ के आपको हर चीज की फैसिलिटी चाहिए। हम आज के टाइम में वैसे भी अगर देखें, गलती किसी की नहीं है, गलती हमारी है। क्योंकि हम इतने आलसी हो गए हैं कि हर चीज हमें फटाफट भी चाहिए और हमें अच्छी भी चाहिए और हमें हर प्रकार से वो सुविधाओं से लैस चाहिए वो प्रॉपर्टी। हम खुद इधर उधर जाना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ी दूर के ऊपर हमें ऑफिस चाहिए, थोड़ी दूर के ऊपर हमें स्कूल भी चाहिए, थोड़ी दूर के अंदर हमें सारी चीजें भी चाहिए। बट अगर हम एक चीज सोचें, एक लैंड है, एक जमीन का अगर 1 एकड़ की अगर हम बात करें इसकी वैल्यू 70 करोड़ रुपए है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चल रहा हूं। अब 1 एकड़ जमीन 70 करोड़ रुपए की है तो क्या आप इसको 60 करोड़ में बेच सकते हैं या 50 करोड़ में बेच सकते हैं? आप इसको कोशिश करेंगे कि मैं इसका 100 करोड़ से प्लस के अंदर इसका मार्जिन तय करूं। उसी तरीके से आज अगर डेवलपर जो एक प्रॉपर्टी लाते हैं एक 5 एकड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर हाई राइज, ठीक है, तो उसको वो चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्जिन के अंदर उसको बेचूं। अगर आज एक 2,000 स्क्वायर फीट का अगर हम फ्लैट की बात करें तो डेवलपर तकरीबन उसको 3 सीआर से लेके 4 सीआर तक, यानी 3 से 4 करोड़ तक की सेल करता है। क्योंकि सबको पता है कि भाई आज के टाइम छोटे से साइज आ ही नहीं रहे। ये 2,000 का साइज वैसे मैंने बोल दिया क्योंकि आता ही नहीं है इस टाइम में। अगर अप्रैल मई और जून की बात करूं तो यहाँ पे 2,500 प्लस स्क्वायर फीट के साइज ही आए हैं, छोटा कोई साइज ही नहीं आया। एक साइज आया था आसियाना के अंदर, 93 के अंदर, वहां भी लोगों को लगा कि ये महंगा, बट बिक गया था, अलॉटमेंट हो नहीं पाई थी। तो अब की बार यही साइज, जो ये साइज मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं सुपर एरिया की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इसका कारपेट एरिया अगर मैं देखूँ तो वही 1,200 स्क्वायर फीट या 1,300 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आएगा। आज ये भी आपको तकरीबन 2.5 करोड़ का मिलेगा, आप एक एवरेज निकाल के देख लो। ये भी उसी रेंज में है जिस रेंज में आज डेवलपर बेच रहे हैं, 18,000 से लेके 20,000 रुपये तक के पर स्क्वायर फीट के साइज। तो इस मायने में देखा जाए तो मार्केट के अंदर एक बार ठहराव तो आना ही आना है। कितने पैसे वाले लोग रियल स्टेट बाजार को या रियल स्टेट के प्रोडक्ट को बार बार खरीदेंगे? आपने सुना होगा, कुछ ही टाइम की बात है कि लाइन में लग के प्रोडक्ट बिक जाता था, ठीक है। लाइन में लग के इसलिए बिकता था क्योंकि यूनिट कम थी और एक बबल था जिसके अंदर सभी चल रहे थे, सब दौड़ रहे थे और लाइन में खड़े होकर प्रॉपर्टी ले रहे थे कहीं ये चीज ना मिले दोबारा, क्योंकि सब ट्रेड कर रहे थे।
किसी के पास 1 करोड़ का भी अगर बजट हो था, वो भी इस मार्केट के अंदर 5 करोड़ का फ्लैट खरीद रहा था। क्यों? क्योंकि वो 1 ही करोड़ दे सकता था, आगे और नहीं दे सकता था, क्योंकि वो आगे जाके उसको सेल कर देता था। ये चस्का था लोगों का, जो कि अब जो एंटर हो चुके हैं उनका क्या होगा, क्योंकि इतने हाई रेट के ऊपर तो कोई खरीदने वाला नहीं है। आज अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, एक सिग्नेचर ग्लोबल का जो प्रोजेक्ट है अच्छे एसपीआर रोड के ऊपर, जो लोग कहते थे कि द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं जाना, न्यू गुड़गांव नहीं जाना, आज ये सेंटर का एक हाईवे, जहाँ पे एक साइड सोना रोड है, दूसरी साइड आपका NH-8 है, और इस साइड आपका CPR रोड है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे ऐसे मिलता है, और ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। इधर कोई जाना नहीं चाहता न्यू गुड़गांव। CPR रोड के ऊपर लोगों की औकात नहीं है, क्योंकि खरीद नहीं सकते इतना। CPR रोड के ऊपर अच्छी लोकेशन है, क्योंकि ये एक सेंटर हब है यहाँ का, ठीक है। तो इस रोड के ऊपर अभी यहाँ पे सिग्नेचर लेके आया है प्रोडक्ट, ये ले आया है आपके लिए 15,499 रुपये का ये प्रोडक्ट आया है, जिसके अंदर लॉन्चिंग ये तकरीबन 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से करेगा। तो लोगों को लगता है कि ये भी बहुत हाई रेट पे है, बल्कि इस एरिया के अंदर ये रेट हाई नहीं है, बट उसके अंदर एक चीज हाई है, साइज बहुत बड़ा है, यानी बड़ा साइज है इसके अंदर। अगर यही रेट होता, रेट चल जाता इतना भी और चल जाता इतना भी, बट अगर ये साइज होता 2300 स्क्वायर फीट का या 2400 स्क्वायर फीट का 3.5, और 3000 स्क्वायर फीट का अगर ये 4.5 BHK निकाल लेते, तो ये प्रोडक्ट लाइन में ही बिकना था। आज की मार्केट, इस क्वार्टर की बात करें, सेकेंड क्वार्टर में, तो जो क्वार्टर वन था 2024 का, ये ज़्यादा सेल हुआ है, ये बहुत कम हुआ है, क्योंकि इसके अंदर इफेक्ट आया इलेक्शन का। इलेक्शन के अंदर लोगों ने वेट किया गवर्नमेंट का, ठीक है, कि गवर्नमेंट किसकी आएगी, इसका वेट किया। अब दोबारा से जो मार्केट है वो आपकी जो स्टार्ट होगी जुलाई मिड के बाद, ये मार्केट फिर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, छोटे प्रोडक्ट आ नहीं रहे हैं, और डेवलपर अपने हिसाब से रेट जो ला रहे हैं बाजार में, उनको रेट कम करने पड़ेंगे। जो रेट 18,000 रुपये डेवलपर कोट करता है, वो रेट 15,000 रुपये के आसपास आएंगे ही आएंगे। अगर ये चीज़ नहीं की तो ये प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा, ठीक है। आज डेवलपर क्या करते हैं, EY दे दो, ठीक है, यूनिट सोल्ड हो जाएगी, बट उसके हिसाब से ये जो गेम है, ये भी जल्द आपको एंड होता हुआ नजर आ जाएगा। और डेवलपर क्या करेंगे, जिसके अंदर अगर हम 500 यूनिट एक प्रोडक्ट के अंदर ला रहे हैं, तो वो 100 यूनिट ही ओपन करेंगे कुछ प्राइस के अंदर, ताकि प्रोडक्ट फ्लोप ना दिखे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो फ्लोप होते हुए नज़र भी आए थे और हुए भी, बट उन्होंने तुरंत फैसला लिया गया। आज अगर जो प्रोडक्ट हम वेट करते थे कुछ टाइम के लिए कि ये प्रोडक्ट लेना है, ये लेना है, लेकिन जैसे ही रेट सुनाई दिया, हमने उस प्रोडक्ट को इग्नोर कर दिया। क्योंकि EY का एक इतना बड़ा गेम है दोस्तों, जिसके अंदर आप ये फैसला नहीं ले पाते कि आपको प्रॉपर्टी में एंटर होना है या नहीं है। ये जल्द ही गेम आपको ख़त्म होता नज़र आ जाएगा। आज अगर हम देखें दोस्तों कि 18% की गिरावट फ्लैटों के अंदर देखने को मिल गई है, सेल्स वैल्यू के अंदर, जो एक टाइम के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, लाइन में बिक रहे थे चीज़ें, सारी चीज़ें बिक रही थी। तो दोस्तों मेरे समझाने का मोटिव यही है कि सेकेंड क्वार्टर 2024 का थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। इसके बहुत सारे रीजन थे जो हमने डिस्कस किए थे, रेट को लेके, प्राइस को लेके, साइज को लेके, इलेक्शन को लेके, ये सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर आते हैं। क्योंकि जब भी हम कहीं पैसा लगाते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट के अंदर अगर हलचल होती है, तो हम भी एक बार ये वेट करते हैं कि एक्चुअल में क्या नया कुछ फैसला आने वाला है या नहीं है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मार्केट दोबारा से स्टेबल होने जा रही है, वो होगी जुलाई मिड के बाद से नए प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।